दोस्तों, ये बड़े गुलाम अली खान जी की कब्र है और गुलाम अली खान जैसी शख्सियत से तो हम सब वाकिफ है। अब मैं उनकी शान में क्या कहूँ, जो लोग क्लासिक सुनते हैं वही समझ सकते हैं। आजकल लोग क्लासिक गाने बहुत ही कम सुनते हैं, वो लोग हमने एक ही सोखी में खो दिए। ढूंढा था आसमान ने जिसे खाक छान कर। बड़े गुलाम अली खान जी 20वीं सदी के तानसीन थे। मुझे बड़े उस्ताद शफकत अली खान जी के मुंह से निकले हुए वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि उन जैसा मौसीकार, खास तौर पे क्लासिक हवाले से उनकी गायकी और उनकी फन की गहराई, सही और सुरीला गाने वाला उनके बाद तारिक ने ना पैदा किया है और ना ही कोई पैदा होगा। वो मौसीकी के ऐसे शहंशाह थे कि तमाम सूर उनके आगे 10 बस्ता खड़े रहते थे और उनकी आवाज़ खूबसूरत कनीज की तरह उनका कहना मानती थी। जब बड़े गुलाम अली खान जी पलंग पर बैठे हुए होते थे और उनसे तालीम लेने के लिए लोग उनके अगल बगल में बैठे हुए होते थे, तब ऐसा लगता था कि जैसे कोई दरवेश आदमी अपने मुरीदों को फ़न का नुक्ता समझा रहा हो। फिल्म मुगले आज़म का वो यादगार सीन हम कैसे भुला सकते हैं, जब सलीम और अनारकली यानी कि दिलीप कुमार और मधुबाला जी का वो रोमांटिक सीन फरमाया जा रहा था, तब बड़े गुलाम अली खान जी की आवाज़ ने उस सीन पर 4 चांद लगा दिए थे। बड़े गुलाम अली खान जी का मुगले आज़म से जुड़ने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। चलिए हम मौसीकार नौशाद साहब की आवाज़ में मुगले आज़म का वो दिलचस्प किस्सा सुन लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्लासिकल कस्म का संगीत मैं लाया आपके ये फिल्म मुगले आज़म में। आसिफ साहब फरमाने लगे कि तानसेन का गाना किससे गवाइएगा, तो मैंने कहा इस दौर का, इस ज़माने का जो तानसेन है वही गाए तो बेहतर है। कौन है वो? आसिफ साहब सिगरेट यूँ पीते थे और उसका ऐश गुल यूँ झाड़ते थे, ये स्टाइल था उनका। कौन है वो? मैंने कहा बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो फिल्मों में गाते नहीं हैं। तो कहने आप वक्त लीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने वक्त लिया, आसिफ साहब मेरे साथ गए, बड़े गुलाम अली खान साहब को मैंने आदाब किया। वो कहने कैसे बेटा, कैसे तशरीफ़ लाया, क्या है? मैंने कहा हुजूर एक फिल्म बन रही है मुगले आज़म, और ये ऐसी फिल्म है कि दोबारा नहीं बनेगी, और आपके शान के शाया है, आप इसमें हमारे साथ अगर कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें। एक गाना है तानसेन का, हम आवाज़ आपकी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपसे गवाना चाहते हैं, तो आप अगर ये मेहरबानी फरमाएं। कहने साहब मैं फिल्मों में तो गाता नहीं हूँ, कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो, उसके लिए ले चलिए, मैं गाऊँगा। तो आसिफ साहब ने फौरन सिगरेट का कश लेते हुए चुटकी बजाई, खान साहब गाना आप ही गाएंगे। तो बड़े गुलाम अली खान साहब ने बड़े एक झुंझला के मुझे देखा, फिर उनको देखा, फिर मुझसे कह दिए कौन साहब हैं, किसको ले आए आप साथ में? मैंने कहा साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है इसके। अब साहब कोई भी हो, लेकिन मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊँगा तो ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं आप ही गाएंगे। फिर आसिफ साहब ने गाना आप ही गाएंगे, कीमत आपकी, उसमें दूसरा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। फिर खान साहब ने इधर उधर देखा, मैं उससे कहने इधर बाहर आइए बालकनी में, ले गए मुझे। कहने मैं कुछ ऐसी बात कह दूँ इससे कि भाग जाए? मैंने कहा हुजूर मेरे ही नुकसान होगा। कहने आपका नुकसान क्यों होगा? मैंने कहा मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, तो उससे मैं महरूम रह जाऊँगा, आप क्या कहेंगे? तो कहने लगे मैं कीमत इतनी मांगूंगा कि भाग जाएगा। मैंने कहा वो हक आपको हासिल है, आप ये कह सकते हैं। आए खान साहब फिर रूम में जहाँ आसिफ साहब बैठे थे। अच्छा साहब मैं गाना गाऊँगा, 25,000 लूँगा एक गाने के। उस जमाने में बड़े से बड़ा प्लेबैक सिंगर 500 और 1,000 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं मिलती, उन्होंने ये रकम मांगी। आसिफ साहब बस खान साहब जी आप तो अनमोल हैं, आपकी तो कोई कीमत ही नहीं है, हो गई बात, ये 10,000 रुपये एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खान साहब तो हैरत में पड़ गए, फिर मुझसे कहना बड़ा कदरदान में लगता है। गरज ये इस तरह से गुलाम अली खान साहब आए, उनको यहाँ रिहर्सल कराई, और जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो लव सीन जो है
अनारकली और सलीम, शहजादा सलीम का, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ गाने से उस सीन को उभारते थे, एक्सप्लेनेशन जो भी लव सीन का था। आसिफ साहब ने मुझसे चुप्पे से कहा कि खान साहब कहिए कि ताने ज़रा हल्की जो फिक्स की गई है वह हल्की रखिए, चूँकि लव सीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है और वो फर्श के चेहरे पर जाता है तो वहाँ पर बड़े मुलायम मुलायम आवाज़ में गाए। मैंने खान साहब से अर्ज़ किया तो खान साहब कहने लगे कि भाई वो पिक्चर बताइए मुझे जब गाऊँगा। साहब वो पिक्चर ले चुके थे, वो एडिट करके दूसरे दिन मंगाई गई पिक्चर, उस रोज़ कैंसिल हुआ रिकॉर्डिंग, पिक्चर का लूप बना के उनके सामने पूरा सीन दिखाया गया। कहने भाई ये चलता रहेगा जब गाऊँगा मैं, तो फिल्म चलता रहा, उसके साथ वो गाना गाए हैं। आप कभी गौर कीजिए कि जहाँ पर क्लोज शॉट्स आते हैं वहाँ खनक और मुर्की अलग है, जहाँ लॉन्ग शॉट है वहाँ अलग है। तो उसको देख के जैसे सेट किया था वैसे ही खान साहब गए, वो पिक्चर चलती रही उनके सामने। बड़े गुलाम अली खान जी का जन्म 1902 में कसूर में हुआ था और 1968 में उन्होंने हिंदुस्तान में वफात पाई। उनकी कब्र हैदराबाद में है और उन्होंने मौसीकी की तालीम उस्ताद काली खान से ली और उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम अपने वालिद अली बख्श से हासिल की।